कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते। जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घुस लेते हैं। के जितनी थुतड़िया चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे चार लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के दो चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के चार चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूँ, जब 1000 रुपए आ जाओ तो मुझे जगा देना। हरियाणा के वजह से मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ है कि आप लोग दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हो। इसलिए नीट वाला लफड़ा आया है। हाँ, वहां शराब है, यहां से पानी चले जाए तो सब लोग मुक्त हो जाए ना भाई साहब, इसमें कौन से बड़ी। एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरी मम्मी 56 साल की उम्र में झाड़ू लगा रही, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहां है वो श्रीदेवी, बोल बेटा ऊपर सोई है, मैंने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा आज तो उसको नीचे उतारो, उसका पूरा भूत उतारूंगा। माँ मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, वो तुरंत बोली, बोले बेटा तेरे से कुछ भी नहीं होएगा। मैंने कहा मम्मी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप खींचो, बोलना मैं लगाऊं, दूसरा मैं खींचूंगा, मैं बोलूंगा मैं लगाऊं, हो सकता है उसको गिल्ट फील हो, वो खुद लगाने लगे। हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे, वो आई क्यों लड़ रहे हो रे। मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं, सुबह सुबह 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू लगाए। माँ बोली, बोले मेरे को पसंद नहीं है, रात भर का थका लड़का मेरा सुबह 5 बजे आए और झाड़ू लगाए। बोले क्यों लड़ रहे हो रे, आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल लेगी। मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था, एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे 3 खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा, मैं जा रहा था, अब जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया, देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई, अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरी मम्मी 56 साल की उम्र में झाड़ू लगा रही, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहां है वो श्रीदेवी, बोल बेटा ऊपर सोई है, मैंने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा आज तो उसको नीचे उतारो, उसका पूरा भूत उतारूंगा। माँ मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, वो तुरंत बोली, बोले बेटा तेरे से कुछ भी नहीं होएगा। मैंने कहा मम्मी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप खींचो, बोलना मैं लगाऊं, दूसरा मैं खींचूंगा, मैं बोलूंगा मैं लगाऊं, हो सकता है उसको गिल्ट फील हो, वो खुद लगाने लगे। हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे, वो आई क्यों लड़ रहे हो रे। मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं, सुबह सुबह 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू लगाए। माँ बोली, बोले मेरे को पसंद नहीं है, रात भर का थका लड़का मेरा सुबह 5 बजे आए और झाड़ू लगाए। बोले क्यों लड़ रहे हो रे, आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल लेगी। गांव के प्रधान हैं ये दरोगा जी से, जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसे रहती है, क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका किधर पूछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले और इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो। दरोगा जी गुस्सा गए, बोले बेवकूफ़ है दिखाई नहीं दे रहा है कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा हूँ। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है?
मंत्री चले गए गांव में, आजकल चला ना गांव गांव अभियान, वो गांव में चले गए, जाते उन्होंने पूछ लिया, एक ताई खड़ी थी, बोले ताई कोई दिक्कत तो नहीं है थारे गांव में? बोली बेटा दो दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले एक तो हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। बोले अच्छा इतनी सी बात? मंत्री जी ने आव देखा नहीं, ताव एक मिनट में मोबाइल निकाला, अपने पीए को फोन मिला, बोले भाई मैं फलाने गांव में खड़ा हूं और यहां ये समस्या है, कल ही शिलान्यास करवाओ, अस्पताल की घोषणा कर दो बनवाने की। अब इतना कहते ही उन्होंने कहा ले ताई तेरा एक काम तो हो गया, इब बता तेरा दूसरा काम के है? बोले जी हमारे गांव में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी, लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्टर्न बीच की माताएं, हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारे घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी, आओ और कह दो चाय बनाओ चाय, चाय हमारी तबीयत ठीक है, बगल में यहां लड़ाई ठनी है बैठी, इसीलिए हमारी प्रार्थना है कर्मयोगी होना चाहिए मनुष्य को। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं खाने को लेकर, लगभग लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ, पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कि आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाएगा। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं, उनके गुरु शंकर हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, ग्यारहवां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में माँ सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते वो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए जो आपने बैच लगाया है। फिर क्या कहते हैं हनुमान, वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय कह देते हैं राम दूत में मात जानकी, मां मैं राम का दूत हूं, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं।